हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग पढ़ाई शायद नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भेजो में देखो क्या नहीं कर रहे हो, उसने मतलब है मतलब नहीं किया। इस टाइम तो क्वेश्चन भेजे थे आपको लगाए नहीं। अरे आपसे अच्छे तो सेमेस्टर वाले एग्जाम वाले बच्चे हैं जो कि सारे क्वेश्चन बना के भेज सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ सिर्फ दिखा रहे हैं। आपको बताते हैं पढ़ाई कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि बस हम तैयारी कर रहे हैं तो उनको दिखा रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। बोल चुके हो जिसे तुम दिखा रहे हो कैसा नहीं। ठीक है, वो तुम्हारे पीछे जाकर बोलता है। हाँ, या फलाने को तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह से कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इस तरह से। ठीक है, तो कम से कम ये चीज़ अपने दिमाग में रखो, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। हमें पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, किसी दूसरे के लिए पढ़ना है। आप लोग घर जाते होंगे अभी? अभी आप लोग घर जाते होंगे तो घर जाने के बाद बढ़िया सा पैंट शर्ट पहन करके घूमना स्टार्ट। भाई हम तो देख के तैयारी कर रहे हैं, हम देख के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें आप ये चीज़ कह सकते हैं? अगर कह सकते हो तो कहो, लेकिन जितना टॉपिक आपका पढ़ा दिया गया वो चीज़ आपका तैयार होना चाहिए पहले। भाई देख के तैयारी कर रहे हो, कोई गलत बात नहीं है, देख तैयारी कीजिए, लेकिन जितना पढ़ा दिया गया है क्या वो आपका तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो आपका ये कोई बोलने का अधिकार नहीं है। तुम ये तैयारी कर रहे हैं क्या करते है? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे हो, उनकी उम्मीदों को आप जो है पानी फेर रहे हो, या आपके पिताजी आपके पेरेंट्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, बस वो सिर्फ यही सोचते होंगे हमारा बच्चा पढ़ेगा, नौकरी करेगा। ठीक है, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करते करेगा, लेकिन आप कुछ नहीं करो, सिर्फ उनके पैसे को जो है बर्बाद कर रहे हो, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, उनको उम्मीदों पे पानी फेर रहे हो, बस और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना? तो ये चीज मतलब सोचिए पहले, आप इसे सोचिए। ठीक है, और नहीं तो आपको अगर लग रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, पढ़ाई करो, लेकिन हम जितने क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर टाइम नहीं आता है हमारे पास। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि पढ़ते हो? उस टाइम तो हमारे पास रहता है, तब हम जाना नहीं कहाँ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो ये चीज आप होता है, आप ये भूल चुके हो कि अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हो ये कभी आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। नहीं तो खुद से सोचिए, खुद से सोचिए कि 15 मार्च से शायद यहाँ पर क्लास बंद हुआ है, 15 मार्च से क्लास बंद हुआ है। ठीक है, और अभी शायद 1 जुलाई तक क्लास बंद रहेगा, हो सकता है इसके बाद भी बढ़ जाए, बढ़ ही जाए। ठीक है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम आपको मिल चुका है। ये 2-3 महीने में आपने किया क्या? 2-3 महीने में आपने किया क्या? ठीक है, अगर 1 घंटे का हम अगर देखें तो 1 घंटे में आप कितना टाइम देख रहे हो? ठीक है, पूरे 14 घंटे एक दिन में अगर हम बात करते हैं, एक दिन में आप 14 घंटे आपके पास है। ठीक है, पूरे 14 घंटे और अगर 1 घंटे की हम अगर बात करेंगे तो आपके पास पूरे 7 मिनट है। 7 मिनट। ठीक है, आप ये बताओ कि एक क्वेश्चन को पढ़ने में आपको कितना देर लगता होगा? मुश्किल से भी नहीं। ठीक है, हम तो ये नहीं करेंगे, आपको मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो 20 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जो टॉपिक आप पढ़ सकते हो वो 20 से 30 सेकंड नहीं लगेंगे, तो इसमें काम करने में लगेगा। हम मान रहे हैं 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट मान लेते हैं। अब अगर 1 घंटे में 60 मिनट है तो 50 क्वेश्चन का आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। 50 क्वेश्चन का पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यही उठा करके 24 से गुणा कर, अब आपके मन में आएगा सोएंगे कब, खाएंगे कब? ठीक है, मन में आएगा तो देखो, जिसको अपने लक्ष्य के लिए उत्सुकता वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता है, खाते समय भी पढ़ लेता है। ठीक है भाई, खाना खा रहे हो, अपना खाते रहिए, तरफ किताब रखते रहिए, वहाँ पे आप देखते रहिए, खाना खा रहे हो तो मुहिम तो जाएगा, कहीं बाहर तो नहीं जाएगा ना वो। ठीक है, आपका दिमाग कहाँ पर होगा? किताब पर होगा, लेकिन नहीं, 1.5 GB मिला है, वो 1.5 GB में खत्म करना है, 4 GB से वो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, ये बोल चुके हो कि जो 1.5 GB मिल रहा है हमें वो अपने करियर को हम बनाने के लिए कर सकते हैं। मैं एक दिन मूवी को देखने में, मूवी देखते हो कुछ उससे सीखते हो? कुछ नहीं सीखते हो। अब अगर कोई चीज पूछ नहीं
ठीक है कि ये मूवी आपने देखा था जैसे मूवी हो आपने मूवी देखा क्या क्या सीखने को मिला नहीं बताओ कहानी पूछने कहानी आप दो साल बाद दस साल बाद बता दोगे भाई जब किसी मूवी की कहानी आपको पाँच छह साल तक तैयार रहता है कि जो आप पढ़ रहे हो ये कहानी तैयार रहता है क्यों क्योंकि इसको आप मन से नहीं करते हो जबकि उसको आप मन से करते हो जितनी देर आप मूवी देखते रहते हो अगर नेट नहीं चलता है तो भाग के चले जाते हो छत पे एक किलोमीटर दूर जाकर के बाद में बैठ के मूवी देखोगे लेकिन अगर पढ़ाई की बात आ गई तो दस मिनट में आपको नहीं लाने लगते ठीक है जिस जब मैं आपसे पूछो हमसे नहीं जब मैं आपसे पूछो कि हम कर यहाँ पर क्या रहे हैं ठीक है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मीठ जब मैं देखो एक घंटे में आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो अब पूरा उठा के देख लो जितना टाइम आपको लॉकडाउन में मिला है इतने में अगर चाहे लो तो अपने पूरे 12 सब्जेक्ट को 12 में जितने भी सब्जेक्ट हो एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 4,000-5,000 क्वेश्चन होगा ज्यादा नहीं होगा ठीक है एक सब्जेक्ट में अगर आप एक घंटे में 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हो अब पर डे एक दिन की हम बात कर रहे हैं पर डे अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो 10 ठीक है तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है अब बता भाई एक दिन में अगर 500 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्या आपका 400 क्वेश्चन नहीं तैयार होगा ऐसा तो है नहीं इतना तैयार हो गया होगा ठीक है अब एक दिन में अगर 400 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है तो एक महीने में कितना हो जाएगा ठीक है एक महीने में कितना हो जाएगा एक दिन में 400 क्वेश्चन ठीक है एक महीने में कितना हो जाएगा लगभग 12,000 के क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे एक महीने में आपका 200 सब्जेक्ट खत्म लेकिन नहीं इसके प्रति आप सोच ही नहीं रहे हो आप केवल क्या देख रहे हो हम जे की तैयारी करते हैं बस हम जे बन जाएंगे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अगर यही हाल रहेगा तो ठीक है हमारी बातें सबको बुरी लगती हैं बुरी लगे क्योंकि हम सच्चाई बोल रहे हैं आपको ये जो हवा में तैर रहे हो ना कुछ नहीं है सिर्फ तैरते रह जाओगे ठीक है सिर्फ तैरते रह जाओगे आपको किनारा नहीं मिलेगा कभी क्यों क्योंकि आपको सिर्फ तैरना सिखा रहे हैं सिर्फ आप तैरना जानते हो लेकिन ये नहीं आगे हम कैसे बढ़े सिर्फ क्या आदमी सब उड़ रहे हो तो सब कुछ नहीं अब आप ये जान रहे हो कि अगर हम किनारे नहीं पहुंचेंगे तो सिर्फ दो दिन में तब तक आए तैर सकते हो एक समय आएगा जब आप थक जाओगे और जैसे थके हो तो हम क्या कर जाओगे डूब जाओगे तो ये चीज अभी समझ लो हम आपको हमेशा यही समझाते हैं हमेशा यही समझाते हैं हमने अभी इसी बार इस बार हम किसी के पास फोन नहीं किए इसीलिए फोन नहीं किए अगर हम जानना चाहते थे कि जब हम डांटते हैं तब तो हम दे रहे हैं अब नहीं डांट रहे हैं अब पूरे लॉकडाउन में आप किए क्या वो हमें बता देना ठीक है हमें तो आप बोल सकते हो लेकिन ये समझ लीजिएगा कि आप स्टूडेंट हो हम भी कभी स्टूडेंट थे ठीक है हम भी कभी स्टूडेंट थे आपके हर बहाने को हर बहाने से हम वाकिफ हैं ये चीज समझे रहिएगा ठीक है तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अब काफी लोगों को लगता है यार भाई इतना सब्जेक्ट हम स्टार्ट कहाँ पे करें क्यों लगता है इतना सब्जेक्ट हम स्टार्ट कहाँ पे करें ये तुम्हारी गलत फहमी है ठीक है चलो हम खाना बनाना सिखाते हैं तो वहीं पर आपको हम पढ़ना भी सिखाएंगे खाना पर बनाना ठीक है पहले खाना बनाते समय आप क्या सोचते हो पहले मैं पता ये सोचते हो यार आप शाम को खाने में क्या बने पहले आपने क्या क्या प्लान किया तो सबसे पहला आपने क्या किया यहाँ पर प्लानिंग आपने क्या हमें खाना बनाना है ठीक है आपके दिमाग में सिर्फ हो गया हमें खाना बनाना है ठीक है अब अपने दिमाग में आपसे कीजिए कि हमें पढ़ाई करना है अपने दिमाग में क्या सेट करेंगे हमें पढ़ाई करना है अभी सिर्फ लिंक पर रहिए अभी आगे मत देखिए अभी आपने क्या कहा खाना पकाना है ठीक है उसी को हमने क्या किया पढ़ाई करना है फिर पहला स्टेप पर दूसरे स्टेप में आप तुरंत जाएंगे क्या क्या पकेगा ठीक है दूसरे स्टेप में क्या पकेंगे क्या क्या पकेगा ठीक है क्या पकेगा क्या पकेगा ठीक है ये आपका हो गया सिलेबस ये आपका क्या होगा सिलेबस अर्थात हमें क्या पढ़ना है हमें क्या पढ़ना ये चीज का पहले नंबर आपने करेंगे क्या पकेगा तुरंत आपको दिमाग में आया था जो हमारे पास वही तो हमारा पकाएंगे भाई दाल चावल है रोटी सब्जी ये तो पकाएंगे इसके अलावा हम पकाने सकते तो वही भी आपको भी करना चाहिए हमें क्या पढ़ना है मतलब हम कहेंगे कि आपका सिलेबस टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है टेक्निकल में भी कई सब्जेक्ट होंगे नॉन टेक्निकल में भी कई सब्जेक्ट होंगे या जो आपका लक्ष्य है क्या उसके बाहर आ जाने के पड़ोगे ठीक है तो आपका कौन क्या होगा पहला नंबर पहले के बारे में क्या पकाना है अथवा पढ़ाई करना है दूसरे में क्या पकेगा था क्या पढ़ना तीसरे से जाएंगे तो आपने सोच लिया कि आज शाम को हम ठीक है
दाल चावल ही पकाएंगे आपने शाम क्या बोला कि दाल चावल ही पकाएंगे अरे दाल चावल पकाएंगे मतलब क्या आपने मेरे बोली है वे आपने कहा हमारे पास टाइम कम है हम दाल चावल बना देते हैं खाने के लिए तो अब आपको मिल गया कि हाँ हमें इतना ही बनाना है अब आपके दिमाग में तुरंत घूमता रहेगा भैया दाल ही चावल पकाना है बस और कुछ नहीं ठीक दाल चावल कब पकाना है इसके अलावा कुछ नहीं तो तुरंत आपके मन में बैठ गया भैया टाइम कम है टाइम कम है अब कोई भी सब्जेक्ट अपना क्या चीजिए उठा के रख लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हम ये नहीं कह रहे हैं जैसे आपने यहाँ पर चयन कर लिया हमें क्या पढ़ाना है उसी प्रकार का सब्जेक्ट जरूर चयन कर लीजिए हमें क्या पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट खा लीजिए ठीक है ज्यादा जो खाना है दो ही सब्जेक्ट खा लीजिए दो ही सब्जेक्ट उठा लीजिए उठा लीजिए अब आपके मन में आएगा कि सबसे पहले चावल पकाएंगे दाल पकाएंगे ठीक है चलो हम बताते हैं मान लीजिए आपने चावल पकाया तो आपका बर्तन होता अब दूसरा चावल दाल पकाएंगे दाल पकाएंगे फिर दाल में क्या लगाते हैं भाई तेल का छौका उनका भी लगाओगे तो किस प्रकार से आपका तीन बर्तन यहाँ पर दूसरा वर्ग नहीं होगा तो इससे आपके दिमाग में तुरंत आएगा भैया इतना है पहले दाल पका दो अब दाल पकाने के बाद उसको छौंक दो और उसी में चावल भी डाल दो अब यहाँ पर बर्तन होगा कितना दो तो आपके मन में क्या सेटअप हुआ कि सबसे पहले मतलब दाल पकाएंगे तो हमें बर्तन धोने में थोड़ा आसानी मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर भी रखिए यहाँ सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट हाँ जिसमें आपको आसानी मिले आसानी कहाँ मिलता है जो सब्जेक्ट आपका लगभग तैयार है उसी को आप चुनाव उठा करके दोहराइए अब ये मतलब सोचिए हमारा तैयार है नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं तैयार है भूल जाओगे अगर यही चीज आपके दिमाग में रहेगा ये तो हमें तैयार है ये तो हमें तैयार है और वही चीज जाकर जाए गलत करके चले जाओगे अब फिर बैठ के सर पे हाथ रखे रोगे तो हमारा तैयार था गलती से भूल ये गलती मत करो यही बात कर लो यही बात कर लो जो सब्जेक्ट आपका कुछ तैयार है उसको आप उठा के तुरंत पढ़ना स्टार्ट करो ठीक है क्यों अब जब आप जब आप दाल पका रहे थे तो आपका कंसंट्रेशन केवल किससे था इस दाल पर था ठीक है आपका कंसंट्रेशन किससे था केवल इस दाल पर था ना कि चावल पर तो उसी था उसी प्रकार से जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन आपका केवल उसी सब्जेक्ट पर होना चाहिए और किसी पर नहीं होना चाहिए मतलब ये नहीं हम उठा के स्टूडेंट मटेरियल पढ़ रहे हैं हम उठा के आप देखिए पढ़ रहे हैं उठा के दिल्ली पढ़ रहे हैं अब हमारा ध्यान और सब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है ये सब कुछ नहीं केवल जो पढ़ रहे हो उससे कंसंट्रेट रखो ठीक है जिस प्रकार से खाना बनाते समय आपने दाल पे ध्यान अगर रखा और वहीं पर भूल गए चावल डालना दाल को भूल गए केवल चावल आपके दिमाग में घूम रहा है अब दाल चावल यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देंगे तो उसी प्रकार से काम कर रहे हैं कि जो चीज आप देख रहे हो सिर्फ कंसंट्रेशन उसी पे हो और कुछ नहीं ठीक है एक यहाँ पे आपने उठाया यहाँ पर भी एक कोई सब्जी उठाइए कंसंट्रेशन पूरा अब दाल आधे पत्ती पे आप उतार नहीं सकते हो ये नहीं है कि आधा पक गया लाल चावल ज्यादा पका लेते हैं फिर दाल चढ़ा देंगे फिर चावल चढ़ा देंगे इसी प्रकार से बारी बारी तक पकाएंगे ऐसा करोगे क्या कोई यहाँ पर पकेगा खराब ठीक है कुछ भी नहीं आएगा ठीक है मतलब मैंने कहा कि आधा ये पका अब उतार के रख दो फिर इसको आधा पकाओ ठीक है अब फिर इसको इसको कहा तो इससे क्या होगा खराब हो जाए देख तो वही अपने सिलेबस में रखते हुए कितने टॉपिक में रखते हैं हम अगर एक उठाए हैं तो सबसे पहले उसको हम खत्म करेंगे तब जाकर के दूसरा उठाएंगे ठीक है तब जाकर के हम दूसरा उठाएंगे और नहीं दूसरा हो जाएगा क्या देख जरूर तो ये तो आपका क्या हो गया तैयारी करने के लिए अब आपके मन में अगर आ रहा है कि भैया हम लोग पर एक कुकर में लोटे में चावल करा देते थे दाल करा देते दोनों चावल हो जाता था वहाँ पर आपका भी दो बर्तन वो आपका एक हाथ में किया था कम सिलेबस ठीक है अगर एक आध दो है तो आपका एक साथ कम सकते हो लेकिन दस से कम ढेर सारा है 12-13 सब्जेक्ट हैं 14-15 सब्जेक्ट हैं 20 सब्जेक्ट हैं तो आप क्या करोगे ठीक है तब आपके मन भूल गई अब आपके मन में आया हम क्यों ना इन दोनों को एक साथ पका लें जब इन दोनों को एक साथ बनाए तो हो गया क्या खिचड़ी हो गया क्या यहाँ पर खिचड़ी उसी प्रकार के सारे सब्जेक्ट जब एक साथ लेकर के चलोगे तो भी क्या हो जाएगा वहाँ पर खिचड़ी कुछ नहीं मिलेगा स्वाद नहीं मिलेगा सिर्फ आप पेट भर सकते हो अर्थात आपको तसल्ली हो जाएगी कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर आपको तसल्ली हो जाएगी अपने घर वालों को बता दोगे अपने घर वालों को दिखा दोगे अपने आस पास वाले व्यक्ति को दिखा दोगे हम पढ़ते हैं ठीक है हम 20 घंटे पढ़ते हैं 18 घंटे पढ़ते हैं 15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन आपका पढ़ने का तरीका ही गलत है ठीक है पढ़ने का तरीका ही गलत है उसी प्रकार से आप कह दो हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं ठीक है कोई बोला भैया कैसे खाते हो कहेंगे सब उठा के एकदम डाल देते हैं पका देते हैं तो सोच लेगा अरे छोड़ यार तो खिचड़ी खाता है
तो ये चीज क्या है ठीक है तरीका है कुर्सी उतने जहां पर आप देख सकते हो ठीक है अब वही चीज यहां पर कह रहे हैं क्या कि एक एक टॉपिक उठाओ और उस पे ही कंसंट्रेशन रखो बाकी सब को अलग कर दो बाकी सब को अलग कर दो उससे बहुत बड़े आपका जो नंबर आएगा आपके जो नंबर आएगा आपके जो नंबर आएगा लेकिन अगर आप चाहे सबको एक साथ लेके चलेंगे तो चाहे 18 घंटा पढ़ो चाहे 20 घंटा पढ़ो कुछ नहीं कर पाओगे जितना आप पढ़ोगे आधा और वही आधा फिर दोहराओगे जब आधा अगला दिन दोहराओगे आप इसको भूल जाओगे ये चीज भी ध्यान रखो यहाँ पर ठीक है और अगर आपको ये लग रहा है कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं पढ़ने के लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं पढ़ने के लिए हम ये पूछेंगे ठीक है हम यही पूछेंगे आप 24 घंटे करते क्या चौबीस घंटे करते क्या हो हम नहीं पूछ रहे हैं आप अपने आप से पूछिए कि हम चौबीस घंटे करते क्या हैं ठीक है चौबीस घंटे हम करते क्या हैं अगर आप 8 घंटे खेत में मेहनत कर रहे हो मान लीजिए खेत हो गए चलिए ठीक है मान लेते हैं 8 घंटे खेत में मेहनत कर रहे हो अब अभी तो आपके पास 16 घंटे हैं नहीं अब 16 घंटे में आप और दिन सोएंगे कब ठीक है तो अगर अभी आप सो जाओगे ये बहाना है तो ये बहाना है वास्तव में तो ये है कि अगर आप अपने करियर की तरफ उत्तेजित हैं या ठीक है उत्सुक हैं तो आपको नींद नहीं आएगी बगैर पर ठीक है या तो बगैर पर नींद नहीं आएगी ये चीज आपने आपको पूछ ही करूँ अगर ठीक है आप 24 घंटे में अगर आप एक घंटे भी अपने करियर के प्रति नहीं निकाल पा रहे हैं तो बेस्ट है पढ़ाई करना हम कह रहे हैं बंद कर दो कोई मतलब नहीं है और जा करके कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर दो ठीक है प्राइवेट सेक्टर जाने का तो कम से कम घर का खर्चा तो नहीं लोगे अपना खर्चा तो नहीं लोगे घर से मांगना तो नहीं पड़ेगा आप खुद अपना खर्चा दे सकते हो घर वालों पर बहुत हिम्मत बनो ठीक है ये चीज ध्यान में रखो अपना अगर आपको करवा लग रहा है बहुत अच्छी बात है ठीक है बहुत अच्छी बात है करवा लग रहा है लेकिन फिर भी आप अपने मन से नहीं सोचोगे अपने आप से नहीं सोचोगे कि हमें करना क्या चाहिए नहीं सोचोगे भाई क्यों नहीं सोचोगे जानते हो क्योंकि आपके दिमाग में ठीक है कुछ कोड़ा हो चुका है अब वो कोड़ा जब तक निकलेगा नहीं ना तब तक कुछ नहीं करोगे बस आपके मन में ही रहेगा अरे जय तो हम बच जाएगी बार पेपर दे दो दो नंबर छंट गए वो किसके कह रहे हो अपने आप से झूठ बोल रहे हो दो नंबर छंट गए अपने आप से झूठ बोल रहे हो ठीक है क्योंकि व्यक्ति आपको देखेगा नहीं छंट गए हैं अरे छोड़ यार पढ़ाई करता होता निकल गया होता पढ़ाई करता होता निकल गया होता ठीक ये चीज होता है लेकिन आप लोग अरे छोड़ रहे हैं समाज है बोलने तो बोलने तो लेकिन समाज आपको सच्चाई दिखाता है आपको गलत सच्चाई है लेकिन वही सच्चाई दिखाता है ठीक है वही सच्चाई दिखाता है अभी तीन साल तीन साल आप मतलब डिप्लोमा करा कीजिए एक साल बाहर जाकर पढ़ लीजिए फिर जाकर के तीन चार साल घर करे दीजिए देखिए क्या हाल होता है ठीक है सब ये कहेंगे अरे छोड़ यार पढ़ने क्या गया था कुछ नहीं करने गया था ठीक है तो ये चीज भी अपना ध्यान में रखो फिर दूसरी बात ये है कि आप देखा किसके लिए रहे हो हम बहुत लोगों को देखते हैं भाई हम खुद अपनी बात कर देते हैं हम भी जब तैयारी करते थे तो ये तो तैयारी मर गया तो शर्ट पैंट चला के गाँव में घूमते थे तैयारी कर रहे हैं क्यों ठीक है वट कुछ वही समाज के लोग कुछ दिन बाद बोलना स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या तुम ये क्या तुम कुछ नहीं ठीक है तुम ये क्या कुछ नहीं किए तब हमने कुछ किया हम जो किए हमारा जो लक्ष्य था वो हम अपना लक्ष्य कवर किए ठीक है ऐसी बात नहीं हम नहीं करते हैं लेकिन कर पाए ना आप उसी प्रकार से आपका भी लक्ष्य होना चाहिए अब आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए नौकरी अगर आपने सोच लिया है हमें नौकरी करना है तो उसके लिए क्या मेहनत नहीं करोगे क्या आप चौबीसों घंटा सोचते रहो हम ये बनना है ये बनना है ये बनना है क्या इसी मंत्र का उच्चार करने से आप ये बन जाओगे अगर नहीं बनोगे अगर ऐसा होता तो भाई तुम्हारे साधन चार लोग बोल लगा देते हैं वो भी तुम्हारे लिए बोल देंगे ये बन जाओ ये बन जाओ ये बन जाओ बन जाओगे कभी नहीं बन पाओगे उसके लिए मेहनत चाहिए अब मेहनत चाहिए तो सही दिशा में मेहनत चाहिए ठीक है सही दिशा में भी तो मेहनत चाहिए अब आप कह सकते हो क्या कि यहाँ पर हमारा मान लीजिए यहाँ पर हमारा खेत है यहाँ से हमने पानी चलाना स्टार्ट किया ठीक है वाटर फ्लो करना चाहते हैं फसल तक वाटर को पहुँचाना है ठीक है आपने क्या किया कुछ इस प्रकार से अनपढ़ यहाँ से घूमने स्टार्ट किया कुछ ऐसे घूमे यहाँ से घूमे ठीक है आपको अच्छा लगा नाली देखने में अच्छी लग रही है इसको आप डिजाइन बनाते हुए बढ़िया था ठीक है बढ़िया था डिजाइन बनाते हुए कुछ यहाँ पर ला करके आपने कितना आपने किया है बेस्ट किया टाइम को बेस्ट किया पानी को बेस्ट किया अपने पैसे को बेस्ट किया ठीक है अब यहीं पर अगर आपके दिमाग में होता है यहाँ पर खड़े होकर से तुरंत आप देख लेते हैं क्या ऐसे तुरंत नाली बना तो जल्दी से पहुंच जाएगा पानी सही दिशा ये क्या है सही दिशा
ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा कहा हुआ आपसे सही है, लेकिन अपने आप से पूछिएगा, ठीक है, अपने आप से पूछिएगा इसमें कितना सही है कितना गलत है, जितना आपको सही लगे उतना अच्छी है, बाकी सब कोई भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ जितना बोलते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ सही गया है कि हम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे पढ़ोगे चाहे आपको मिले नौकरी चाहे ना मिले, उसे कोई मतलब नहीं आता, ठीक है, तो ये चीज होता है। कई लोग हम देखे हैं बहुत टाइम वेस्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ तक किसी ड्यूटी कर करके बैठे घर में वहीं करा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर अहम भर गया था कि हमने बीते कर लिया, हम जब चाहे तब नौकरी कर सकते हैं, ऐसा होता है, वो होता था आप के दिमाग में होता था, अब नहीं होता है, अब यहाँ पर क्या है, आपको क्रॉस करना है, आपको क्रॉस करना है, जो लोग कहते हैं एक एक नंबर में पीछे जा रहे हैं, वो एक नंबर में पीछे हो रहे हैं, लाखों बच्चों के पीछे हैं, ठीक है, लाखों स्टूडेंट के पीछे हैं, जो कहते हैं कि हमारा एक नंबर पीछे हो गया, ठीक है, और उसी को लेकर के वो सोचते हैं, वो सोचते नहीं है, वो अपने आप को सिर्फ दिलासा देते हैं कि हमारा एक नंबर छंट गया, अगली बार हो जाएगा, असल में अगर देखा जाए तो लाखों बच्चों के पीछे होते हैं, अब इस लाखों बच्चों को पीछे हो, ये मतलब तो हमारा एक नंबर से छोटा है, ये तो नंबर से आगे हुए भी कई बच्चे हैं, और इन बच्चों को अगर पिछाड़ोगे तब जाकर के नौकरी मिल जाएगा, नहीं तो फिर सिर्फ सोचते रहोगे क्या हमारा एक नंबर तो 0.5 नंबर हमारा छट गया है, बहुत सिख के मैंने बहुत दुख का बात, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, घर में भी बताओ तो 0.5 नंबर से छट गया, घर वाले क्या 0.5 नंबर छटा है, क्या मतलब मेहनत किया है, अगली बात बताएंगे, उनको एक बार बताओ, उनको एक बार बताओ कि हम 0.5 नंबर से नहीं, 0.1 नंबर, 1 नंबर से नहीं छटे हैं, हम इतने बच्चों के पीछे हैं, तब तो उनके ऊपर क्या देते, ठीक है, कि हमारा बच्चा मेहनत किया भाई, वो तो बच्चे आगे वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, वही सिलेबस वो भी तो पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा इन लोगों के पास भी है जो आगे बढ़ चुके हैं, जो पीछे हो, तो ये मतलब टोटल हमारा एक नंबर छंट गया, दो नंबर छंट गया, 0.5 नंबर छंट गया, ये टोटल हम कितने बच्चों से पीछे हैं, ये आपके मन में बैठना चाहिए, ठीक है, बदल के आप क्या सोचते हो, बस एक नंबर छंट गया, अगली बार हो जाए, अरे एक नंबर क्या है, अगर वही 24 घंटे में अब 10 घंटे पढ़े हो, ठीक है, वही 24 घंटे में 10 घंटे पढ़े हो, और आधा घंटा अगर और पढ़ देते तो ये एक नंबर क्या हो सकता है, इससे ज्यादा आपको बदल मिल जाता, क्यों गलती किस पे, क्या काम टिकट करने वाले के लिए, क्या पेपर बनाने वाले के लिए गलती है, क्या आपके घर वालों की गलती है, कुछ नहीं, इन कोई सी भी गलती नहीं है, गलती या फिर अपने आपने टाइम वेस्ट किया, ठीक है, अपना केवल आपने टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो कि ये मत सोचा करो हमारा एक नंबर छंट गया है, ये सोचा करो हम लाखों बच्चों के बीच पीछे हैं, और इन लाखों बच्चों को भी छोड़ना है, ना कि एक नंबर के लिए, भाई हो सकता है वो एक नंबर ड्रॉप नहीं कर पाए, आपके बाद मेहनत कर लेकिन क्या हुआ, अलग से डिजाइन हो गया, आप क्या करोगे, फिर यही कहोगे तुम्हारा 0.5 नंबर छंट गया, ठीक है, फिर यही कहोगे 1.2 नंबर छंट गया, 1.3 नंबर छंट गया, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम छंट क्यों रहे हैं, ये मत छोड़ सोचो तो कि हम छंट गए, ये तो हम छंट क्यों रहे हैं, ठीक है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, और नहीं तो फिर सोचते रह जाओगे बैठ के कि भाई यार कितना नंबर छंट गए, आपके इतने नंबर छंट गए, ठीक है, अगली बार मेहनत करेंगे, अगली बार तो आपके मुंह से निकलना कितना आसान है, अगर देखोगे तो पूरे एक साल आपने वेस्ट किया है, अगली बार आपने कहा बहुत ही आसान भाषा में बोल दिया, मुश्किल से आपको लगा 20 सेकंड बोलना, अगली बार 10 सेकंड भी लगा, अगली बार कैसे आप करेंगे, आपके घर वाले भी आपको दिलासा देंगे, अगली बार मेहनत करेंगे, लेकिन उनसे पूछो क्या उनके ऊपर क्या देखती है, एक साल का खर्चा आप कैसे चलाएंगे, एक साल का खर्चा इतना नहीं होता है, 12 से 36 हजार रुपए, अगर एक महीने में आप 3 हजार रुपए खर्च कर रहे हो, 12 से 36 हजार रुपए, अब बीच में अगर ना करे भगवान ऐसा, लेकिन आपकी तबियत अगर खराब हो गए तब कितना जाएगा, तभी सोचे उसके बारे में, ठीक है, आपको खुद सोचना चाहिए कि हम इतना टाइम इनका चाहे वेस्ट कर, इनका पैसा हम चाहे वेस्ट कर रहे हैं, घर वाले हमें पढ़ने के लिए देते हैं, हम केवल पढ़ाई करें और हमें किसी से मतलब नहीं है, दुनिया हमें क्या कहती है उसमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपने से मतलब नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में बैठाओ पहले, और जब तक नहीं बैठे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, और ये चीज विद्यार्थियों को अच्छा लग देते हैं, बता देते हैं, वैसे कहोगे तो एक गलत है लेकिन फिर भी बताए, ठीक है, इसे मूवी कराया जा सकता है, आप देखते होंगे बहुत मूवी देखते होंगे, आपको पता भी होगा शायद, हमें जाने का होता है, उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति संघर्ष से ज्यादा अपने सौंदर्य पर ध्यान देता है, जो व्यक्ति अपने संघर्ष से ज्यादा अपने सौंदर्य पर ध्यान देता है, वह व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर पाता,
अब आपके दिमाग में आएगा फलाने तो बहुत शानदार से उनके साथ थे लेकिन वो तो सिलेक्ट हो गए तो फलाने कैसे सिलेक्ट हो गए हो सकता हुआ आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा होगा कि मेहनत कर रहा हूँ अंदर ठीक है लेकिन आप क्या करोगे मनोहर बिना तो घूम रहा था और उधर नौकरियां ला के हमें कहने लगा तो जो फलाने दिन भर घूम रहे हैं वो बच्चा और आप मेहनत कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो दिन भर उनके साथ घूम रहे हो रात में आकर के सो जा रहे हो ठीक है कोई भी टाइम अपने कैरियर के पास नहीं रख रहे हो तो बता भाई ऐसा थोड़ी होगा ठीक है वो घूम रहा है घूमने दो आप भी घूमो उनके साथ लेकिन आपको ये सोचना पड़ता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए अपने लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा भाई जब तक कुछ नहीं करोगे जाहिर सी बात कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप नहीं जो कुछ नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे बस जाहिर सी कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर लोगे ठीक है 6-7 हजार रुपए पाओगे दिन भर मेहनत करोगे शाम को 4 बातें सुनने की मिलेगी रात में अलग से मूड खराब होगा छोड़ दें हम बहुत बच्चों को देख चुके हैं यही से कहे हैं ठीक है बच्चों के घर की मजबूरी थी कोई भी प्रॉब्लम रहा होगा लेकिन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया ठीक है अच्छी बात है ज्वाइन किया लेकिन ठीक है प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद उनको लगता है कि पढ़ाई का महत्व क्या है अभी आप लोगों ने लगे क्योंकि अभी तो आपको मिल रहा है अभी आपको मिल रहा है आपको नहीं लगेगा जिन दिन आपके पास टाइम रहेगा इस चीज का कुछ दिन आपको एहसास होगा नहीं उस समय अगर हम पढ़े होते तो आप यहाँ नहीं होते क्यों ये तो होता है ठीक है और नहीं होता है यही जो लॉकडाउन हुआ है यही मैं आपको सोचना पड़ता था कि यार हमारी 23 से 24 साल उम्र हो गई 25-26 साल उम्र हो गई हम कल अपने घर के लिए किए क्या घर के लिए छोड़ो क्या हम अपना खर्चा चला सकते हैं आपसे सोचो अपने आपसे पूछते ये क्वेश्चन पूछिए कि इतने महीने में लॉकडाउन हुआ केवल 2-3 महीने का लॉकडाउन हुआ हमारे पास 4-6 महीने का लॉकडाउन हुआ अभी नहीं हुआ है अभी केवल 2-3 महीने हुआ है लेकिन अपने आप से पूछो क्या हम अपना खर्चा चला सकते हैं भाई 24-25 साल उम्र हो गई है 23-24 साल उम्र हो गई है ठीक है हम मान लेते हैं 26-27 साल उम्र हो गई है ठीक है 28-30 साल उम्र हो गई है क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं ठीक है अब उनसे पूछो अपने आप से पूछो उनसे नहीं अपने आप से पूछो जरा इतनी उम्र हो गई है हम 3 महीने बैठ के खाना नहीं खा देते हैं इतना हम नहीं कमा पाए हमारी औकात क्या है सोचो नहीं अपने आप से पूछो हमारी औकात क्या है कि हम कितनी बड़ी उम्र हो गई है और हम कितने महीना बैठ के नहीं खा सकते हैं ठीक है अब सोच लो आप तो आंसर नहीं जाएगा अब जब तक ना मिले ना तब तक ये दोहराते रहिए हम किए क्या हम किए क्या घर का खर्चा थोड़ा अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं ठीक है तब आपको समझ में आएगा हमें क्या करना चाहिए और अगर बुरा लग रहा है हमारे बच्चे ना तो मोबाइल बंद कर दो सर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर सोचने वाले थोड़ा कहो तो सोच लो कि अभी हमें टाइम है कर लेना चाहिए कुछ क्योंकि आप 1 घंटे नहीं बर्बाद कर रहे हो 1 घंटे में 7 मिनट खराब कर रहे हो ठीक है 1 घंटे नहीं खराब कर रहे हो आप 1 घंटे में 7 मिनट खराब कर रहे हो ठीक है 3600 सेकंड आप खराब कर रहे हो 3600 सेकंड खराब कर रहे हो 1 घंटे जब आते ठीक है और अगर बात हम कर लेंगे 24 घंटे की ठीक है तो 24 घंटे में आप कितना खराब खराब कर रहे हो एक दिन की अगर हम बात कर लेते हैं पहले एक दिन की अगर बात कर लेते हैं बोलना बहुत आसान हुआ एक दिन बोलने में बहुत आसान हुआ एक दिन लेकिन अगर इस पे एनालिसिस करोगे थोड़ा सा तो आपको लगेगा 24 घंटे हमारे खराब है 24 घंटे खराब हुए ठीक है अब अगर 24 घंटे में मिनट की बात कर लोगे तब कितना हो जाएगा बचना पर ठीक है कितना हो जाएगा बचना पर ठीक है 1440 मिनट के आसपास आएगा आप पूरा बात कर लीजिएगा इतना मैं पर आपको कैलकुलेशन करा नहीं रहे हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि आप कितना अपना बेस्ट कर रहे हो कितना बेस्ट कर रहे हो ठीक है एक घंटे में इतने सेकंड बर्बाद कर रहे हो जबकि एक क्वेश्चन को पढ़ने में मुझसे 5 से 10 सेकंड लगेंगे तो लगेंगे अगर आपको लगना है 40 सेकंड लगा दीजिए 50 सेकंड लगा दीजिए एक क्वेश्चन को पढ़ने में लेकिन 3600 सेकंड होता है घंटे में ऐसा आता है भाई कितना हो गया यहाँ पर ठीक है कई क्वेश्चन पढ़ सकते हो लेकिन आप क्या कर रहे हो बस उड़ रहे हो वो ये कहा ना बस आप तैरना जानते हो आगे बढ़ना नहीं जानते हो सिर्फ आप तैरना सीख रहे हो आगे बढ़ना नहीं सीखे हो अब तैरते रहोगे कब तक तैरते रहोगे एक बार थकोगे और तुरंत क्या करोगे स्विम कर जाओगे डूब जाओगे तब वहां पर आप कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है अगर तैरते हुए आगे बढ़ना जान गए हो तब आप किनारा कहीं पहुंच जाओगे और आसानी से आप बच सकते हो नहीं तो नहीं बच पाओगे ठीक है हम ये नहीं कह रहे हैं हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं कोई बुराई नहीं कर रहे हैं ठीक है लेकिन तभी अपने आप से सोचिए तभी अच्छी करना सोचिएगा
और इसके बाद में अगर आपको लग रहा है ना कि हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं क्या, अगर आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो तो हमें बताइएगा, ठीक है, हम उठा के क्वेश्चन देंगे आपको, तब देखते हैं कितना क्वेश्चन आप कर पाते। अब आपके मन में ये आएगा कि ये टॉपिक हमें पढ़ाया नहीं गया है, मान लीजिए गलती से कोई टॉपिक अगर छूट भी गया है तो आपके मन में आएगा भैया ये क्वेश्चन हमें पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, अब ये चीज आप सोचते हो कि क्वेश्चन हमें पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, उठा के पेट उठ खंड हो गए, उठा के पेट उठा के खंड हो गए, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं गया, ये क्वेश्चन हमारा पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, कितनी बार सोचे, दो बार सोचे, तीन बार सोचे, थोड़ी देर क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, क्वेश्चन आया कैसे, ये क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, क्वेश्चन आया कैसे, ये कि पूरा सोचने में आप अपना कम से कम एक दिन बर्बाद कर देते हो, ठीक है, वास्तविकता बता रहे हैं हम, हर स्टूडेंट के बात करते हैं, हर स्टूडेंट के बात करते हैं, ये कि सोचो ये क्वेश्चन हमारा पढ़ाया नहीं गया, यहाँ पर आया कैसे, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमारा नंबर आ जाता बढ़िया, लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं पढ़ाया गया, भाई एक दो क्वेश्चन तो तुम क्या उखाड़ लोगे, एक दो क्वेश्चन तो कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जब दो क्वेश्चन नहीं कर पाए, अरे दो क्वेश्चन नहीं पढ़ा गया छोड़ दो, 98 क्वेश्चन तो आपको पढ़ाया गया है, हम कह रहे हैं दो में 10 नहीं पढ़ाया गया छोड़ दो, 90 क्वेश्चन तो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चन क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो पा देगा, अगर आप 90 नहीं तैयार कर पाए हो तो 10 हम तैयार कर पाते, बता भाई, तो कुछ रीजन होते हैं क्वेश्चन छोड़वाने के, ठीक है, वहां से पता चलता है कि आप सचमुच पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इधर आके ये नहीं है कि कोई पढ़ाया नहीं गया, हर चीज पढ़ा देगा, ठीक है, हर टीचर जो भी पढ़ाता है, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हर टीचर से बात कर रहे हैं, हर क्वेश्चन आपको पढ़ा देगा, बस उससे क्या है वो सोचता है ये नॉर्मल चीजें तो छोड़ दो बच्चे अपना कर लेंगे, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं ना ये क्वेश्चन हमें पढ़ाया नहीं गया है और यही वजह से हमारा गड़बड़ हुआ है, मान लीजिए हमने टेस्ट लिया 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, अब 10-15 क्वेश्चन आपका नहीं पढ़ा गया, वैसे ऐसा होता नहीं है, आपके 10 क्वेश्चन रहता है जो उन्हें पढ़ाया जाता है वो जानबूझ के डाला भी जाता है, तो आपके मन में आएगा यही बार 10 क्वेश्चन यही क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया, बार बार कलम छोड़कर भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया, बार बार कलम तोड़ोगे भाई, कलम काहे तोड़ रहे हो, अपने 80 रुपये से नुकसान कर रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया है, क्या तुम कलम पढ़ा नहीं देते, नहीं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हमने 70-80% आपको पढ़ा दिया, 90% मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या 10% आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, क्यों, अब छोटे बच्चे तो होने ही, छोटा बड़ा अपना आपको सिखाएंगे, प्लस माइनस सिखाएंगे, तैयारी वाला भी मैं चला को सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझदार हो, अगर एक आपको क्वेश्चन छोड़ दिया तो कर्तन करते हो, वही सोचने में आप थोड़ा सा व्यस्त कर दिए, वही क्वेश्चन सोचने आपने कम से कम 10 घंटे व्यस्त किया, या मार रहे हैं आपने 2-1 घंटे तो व्यस्त किया ही, वो 10 क्वेश्चन और पढ़ने में कितना टाइम लगता, क्या 1-2 घंटा लगता, ठीक है, तुरंत उठा के बोलते मुश्किल से 10 क्वेश्चन को पढ़ने में 20 मिनट लगता है, अब ये 20 मिनट में आपको कुछ सीखने को मिला, लेकिन बार बार ऐसे कह रहे हो कि उसने पढ़ाया नहीं किया, पढ़ाया नहीं किया, पढ़ाया नहीं किया, क्या इसे आपको तैयार हो गया, कुछ नहीं तैयार, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं पढ़ाया नहीं गया, ठीक है ना, अब पढ़ाया नहीं गया तो आपका माइंड तो अरे छोड़ यार पढ़ाया नहीं गया क्या पढ़े, तो इससे क्या बात मन में बैठ गया कुछ पढ़ाया नहीं गया छोड़ दो, ठीक है, लेकिन अब उसी बातों को आपके सोचने में आपने कितना अपना टाइम वेस्ट किया है, इस टाइम को समझो भाई, नहीं पढ़ाया गया तो नहीं पढ़ाया गया, हम नहीं पढ़ सकते हैं क्या इसको, क्यों जो लिखा है बेटा में वो भी तो किसी व्यक्ति ने ये लिखा होगा, हम नहीं लिख सकते हैं क्या, तो ब्रह्मा जहाँ सब क्या है, हम भी तो लिख सकते हैं, जहाँ भी तो पढ़ सकते हैं, तो जो भी है उस पर पढ़ लेंगे, भाई 10 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेंगे, अगर नया नया क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे इतना नहीं लगता है, लेकिन हम कह रहे हैं मान लीजिए आप नए नए पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन को पढ़ने समझने बोलते थे 2 मिनट लगेंगे, 10 क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 20 मिनट खर्च हुआ, अब इसे 20 मिनट के लिए अपना 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे 24 घंटे कहा व्यस्त कर रहे हो, सर इसके बारे में सोचा है, ठीक है, बस आपने क्या सोच लिया कि ये चीज में पढ़ाया नहीं गया, ये चीज में पढ़ाया नहीं गया, अपने दिमाग को समझाओ, ऐसा कहा होता है, ठीक है, हमें खुद से पढ़ना है भाई, अगर हमें किसी ने बता दिया वे यही रास्ता पकड़े चले जाओ, वो वहाँ मंदिर दिख रहा है आपका, या जो आपकी मंजिल हो वहाँ पर दिख रही है, तो कभी भी हमें डर लग रहा है, ठीक है, यही जंगल हमें त्रास कर दीजिए बस हम चले जाएंगे, वो व्यक्ति कहते हैं आपको जंगल तक का ले गए अब जंगल तक ले जाकर त्रास किया, उसके बाद फिर आगे भाई ऐसी बात है बगैर मारकर हम बात नहीं।
जैसे देखो आप क्या है, हमने कहा ये आपका मंदिर हमें दिखा दिया, ये रास्ता आता है यहाँ पर आपकी मंजिल है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ घने जंगल है, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये जो घने जंगल है ना, ये घने जंगल जो है ना, इसमें आपको डर लगता है, आपको लगता नहीं है कि हम आगे बढ़ पाएंगे, तो उससे के लिए आप करते हो क्या कोचिंग, या उससे के लिए आप किसी टीचर को ढूंढते हो? हमने कहा मुझे ऐसे चले जाओ वहाँ से, सीधा पहुँच जाओ यहाँ पर, ठीक है, सीधा हमने बता दिया ऐसे पहुँच जाओगे, अब आप समझ रहे हो कैसा है, हम चल नहीं पाएंगे, हमें थोड़ा सा चल के इस जंगल को पार कर दीजिए, हमने आपको लेकर के यहाँ तक पार कर दिया, हमने आपको यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कि नहीं हम आपको ठेका दिए थे, हम आपको ठेका दिए थे हम मंदिर तक पहुँचा लो, ठीक है, तो भैया वो ठेका नहीं है, वो सिर्फ आपको रास्ता बताने का है, मैं आपके साथ चलने का, चलना आपको खुद है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं रास्ता बताते हैं, भैया ऐसे ऐसे सीधा चले जाओ, ठीक है, सीधा चले जाओ, अब यहीं पर अगर कोई और मिल गया वो कहा ऐसा है यहाँ से एक रास्ता कटा है, ये रास्ता करके चले जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा पानी पत्ता मिल जाएगा, ठीक है, पानी पत्ता मिल जाएगा हो जाएगा, ठीक है, सीधा रास्ता जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई तो श्रृंगार नहीं करने को मिलेगा, आपको आराम नहीं मिलेगा, आप सिर्फ क्या कर सकते हो अपनी मंजिल को जल्दी प्राप्त कर सकते हो, फिर हमने कहा ठीक है, हमने कोई दूसरा आगे बोल दिया भैया इस रास्ते से जाओगे तो आपको थोड़ा सा ठीक है मनोरंजन होता रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको खाना पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको मंजिल क्या है भाई डिस्टेंस यहाँ की बढ़ रही है, दूरी यहाँ की बढ़ रही है, तो आपको क्या कहिए वो आप खुद चयन कीजिए, आपको क्या चाहिए खुद चयन कीजिए, आपको जल्दी कष्ट में लेना है कि हर सुख लेते हुए आराम से पहुंचना है, हर सुख लेते हुए अगर बात करोगे तो यही टाइम आएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, फिर कभी मान लीजिए ऐसा ना हो इस समय से रहता हो, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसे कोई आपत्ति आ गई तो आप कहाँ रह जाओगे, इसका ख्याल क्या, इतने कम समय में हम जहाँ पर पहुँच सके वहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखते हैं, बाकी पढ़ो ना पढ़ो हमें क्या है ना कि अगर एक तो दो बच्चा पढ़ते रहेंगे तो भी पढ़ाएंगे, हमारी ही आदत है, और ये चीज आप लोग देख भी चुके होंगे, जो भी बच्चे कोचिंग में वो बच्चे देख चुके होंगे, अगर ये दो बच्चे रहते हैं हमारा मन है आज पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे जरूर, ठीक है भाई उतने दूर से आए हो, अच्छा कुछ लोगों के इसमें ये रहता है कि कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते हैं, कोई भी बच्चा कभी आया होगा चाहे उसको जितने घंटा पढ़ाया गया लेकिन पढ़ाया जरूर गया है, खाली नहीं रहता गया है या आगे बच्चे नहीं है जाओ चले जाओ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आए हो चाहे उसको घंटा पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे जरूर, भाई उतने दूर से आए हो अपना टाइम वेस्ट करके, तो आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम तो आपको कुछ ना कुछ देंगे, टाइम खुद आप अपना वेस्ट करते हो, खुद अपना टाइम वेस्ट करते हो, और जिस दिन समय से चलना नहीं सीखोगे ना उस दिन बस ठोकर आपको मिलती रहेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ठोकर मिलेंगे, ठीक है, एक मिनट की कीमत आप लोग सोचते हो लाओ 10 मिनट रेस्ट कर लें, 10 मिनट रेस्ट कर लें अभी उसके तुरंत पा देंगे, ठीक है, एक मिनट की कीमत कभी उससे पूछना जो एग्जाम देने गया हो अब 1 मिनट पहले गेट बंद हो गया उसे पूछना इतना की कीमत क्या है, ठीक है, व्यक्ति सफर कर रहा है और 1 मिनट पहले उसकी फ्लाइट छूट गई है उससे पूछना 1 मिनट का 1 मिनट की कीमत क्या है, आप लोग कह रहे हो 10 मिनट हम रेस्ट कर लें, ये 10 मिनट पे आपको किसी ने उधार नहीं दिया है भाई, अपना कहेंगे तो रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, व्यक्ति को चाहिए नींद, आप नींद चाहिए 4 से 6 घंटे, ठीक है, अगर आप 4 घंटे भी नींद ले रहे हो तो आपकी हेल्थ नहीं खराब हो जाएगी, ठीक है, तो लोग कहते हैं हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके सामने करें देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, 4 घंटे भी अगर आप नींद ले रहे हो बहुत है, उतने में आप कर सकते हो 15-16 घंटे एक स्थान पर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, आपकी हेल्थ नहीं खराब, ठीक है, लेकिन तब जब आपका लक्ष्य ये केवल ये हो कि हमें पढ़ाई करना है आगे बढ़ना, पढ़ाई करना है आगे बढ़ना, पढ़ाई करना है आगे बढ़ना, अगर आपको जबरदस्ती बैठा दिया जाएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपकी तबीयत खराब होगी, ठीक है, अब पता नहीं सही लोग भी सिर्फ बहाना होता है, लेकिन अगर जबरदस्ती आप बैठे हो तो पक्का है 4 घंटे में आप उठ जाओगे, 2 घंटे में आप उठ जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका सिर नहीं कर रहा है पढ़ने का जबरदस्ती बैठे हो, ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिए, आपकी अपनी लाइफ में सोचने का पूरा टाइम था, सोच लिए, पढ़ना है मेहनत करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं पढ़ना है घर में बोल तो हमसे पढ़ाई नहीं होती है, कहे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा कहा वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा हमारे ऊपर खर्च करे हमें भी क्या होगा बिजनेस को चला लेंगे, ठीक है, इस समय कितना खर्च कर रहे हो भाई, कम से कम 50,000 तो खर्चा करते होंगे, ये 50,000 देखिए अपना कोई छोटा सा बिजनेस डाल दीजिए,
ठीक है, उससे आप पैसा बना के अपने घर वालों को दे सकते हैं, अपना कम से कम अपना खर्चा तो चला ही सकते हैं है? ये चीज करो ना, दूसरे को दिखाने में, दूसरे को दिखाने में अपनी जिंदगी मत वेस्ट करो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, कह रहे भैया चलो थोड़ा सा मार्केट घूम के आते हैं। ठीक है, काम किसका है? अलाने का है, बुला के छोड़ा है, तुमको बुला रहे हैं, चलो मार्केट घुमा के लेके आते हैं। मार्केट घूमने के कम से कम आपका 2 घंटे लॉस हो नहीं हुआ? वो 2 घंटे अगर उससे उधार मांगो तो देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि टाइम तो सबको बराबर मिला है। तो ये तो 2 घंटे आपका लॉस हो गए, कहाँ पर जाएगा भाई? वही 2 घंटे जितनी देर में मार्केट में घूम के आए वहाँ पर आपको करोड़ क्या मिला? एकाध शायद मिल गया होगा, नहीं तो एकाध दो कमोटा मिल गया होगा खाने को, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला होगा। क्या बहुत ज्यादा वाला पैसे वाला होगा तो आपको लेकर के किसी रेस्टोरेंट में घुसला दिला देते, क्यों ये तो होगा। लेकिन जब टाइम में 2 घंटा वेस्ट किए हो, यही 2 घंटों में अगर चाह लेते आप 100 से 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन चाहे कर सकते थे, यही 200 क्वेश्चन। ठीक है, आपको उनसे बड़ा बना सकता है, उनसे बड़ा बना सकता है जिसके साथ आप अपना 2 घंटा में बात करते हो। ठीक है, ये होता है। अब जो लोग सोचते हैं ना किस्मत में लिखा है मिलेगा, किस्मत में लिखा है मिला है मिलेगा, तो भैया उनसे हम कह रहे हैं क्या कि सब कुछ छोड़ दो, अब सारा काम किस्मत पे छोड़ दो, देखते हैं कैसे मिल जाता है। कोई मतलब सुबह उठो खाओ सो जाओ, शाम को खाओ सो जाओ, कोई मेहनत करो, देखते हैं कितना किस्मत में आपको मिल रहा है। तो किस्मत में जो लिखा है ना वो लिखने की कलम भी अपने हाथ में होती है, आप मेहनत करोगे किस्मत बदलेगी, नहीं मेहनत करोगे कुछ नहीं होगा। ये चीज अपना दिमाग में रखो। ठीक है, हम आपको स्टार्टिंग नहीं बताए थे ना, स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताए थे कि जिस दिन आपको छुट्टी हो छुट्टी नहीं हो तो भी भाई 200 क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? आपका 8 प्रदेश हमने खत्म कर दिया है, लगभग 8-9 प्रदेश हमें खत्म हो गए होंगे। ठीक है, तुरंत आप इतना ध्यान में रखिए, हम आपको तुरंत बताते आ रहे हैं, तुरंत हम आपको बता रहे हैं, जब स्टार्टिंग था हम कहते थे आपको 50 क्वेश्चन दीजिए, एक दिन में आप 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाएंगे, जब हमने इतना पढ़ा दिया हमने आपको कहा 200 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, 200 क्वेश्चन का आप टारगेट बनाइए और ये 200 क्वेश्चन आप मॉर्निंग में दीजिए, फिर यही 200 क्वेश्चन बताइए छोटी है करोगे क्या? फिर यही 200 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ठीक है दोपहर में देख लीजिए, दोपहर में या अगर यहाँ पर 10 बजे पढ़े हो तो 2-4 घंटे का अंतराल ले लीजिए, 2 बजे उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं हमारे टाइम से लिए आप, लेकिन अपने हिसाब से लिए, जैसे डॉक्टर दवा देता है भैया 3 टाइम दे लेना, 3 खुराक है वैसे हम भी कह रहे हैं क्या? 3 खुराक बस और कुछ नहीं, सिर्फ 3 खुराक। यही 200 क्वेश्चन का आपका टारगेट है। सुबह में उठने से जैसे आप बिस्तर मत छोड़ो, क्योंकि आँख खुलने के बाद तुरंत आप बिस्तर नहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, आँख खुलते थोड़ी देर आ रहे हो, उठने का मन नहीं करता, लगने दौड़ मारने का। ठीक है, तो ये जो टाइम है उस टाइम में तुरंत एक अपना टारगेट बनाइए कि यार हमें 200 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, वो भी 200 क्वेश्चन तीन खुराक में पढ़ना है। अब ये नहीं कि 200 क्वेश्चन को हम 3 बार पढ़ना है, 200 क्वेश्चन को आप पढ़िए मॉर्निंग में 8-9 बजे जब भी मन कहे, जब भी टाइम मिले 200 क्वेश्चन पढ़ डालिए, और ये 200 क्वेश्चन को आपको पढ़ने में मुश्किल से लगेंगे तो 2 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे भाई, इतना पढ़ लिए हो। ठीक है, 8-9 महीना तैयारी कर लिए हो, इतना तो होना ही चाहिए, स्पीड का उतना नहीं जानते। ठीक है, 2 घंटे आपके लगेंगे, आप उसको बंद करके रख दीजिए, फिर वही जो 2 क्वेश्चन आपने मॉर्निंग में पढ़ा था वही 200 क्वेश्चन आपको एक बार दो बार में फिर एक बार दोहरा दीजिए, वही 200 क्वेश्चन दोपहर में फिर एक बार दोहरा दीजिए। ठीक है, अलग से नहीं लेना है, टारगेट आपने केवल 200 क्वेश्चन दिया, 200 क्वेश्चन को सुबह में आपने खत्म किया, लेकिन खत्म कर देना 200, फिर 200 दोपहर में खत्म किया, आप यही 200 फिर आप शाम को फिर खत्म कर दीजिए, 3 खुराक और नहीं हुआ मतलब यही डोज है, 3 बार आपको लेना है सुबह दोपहर शाम, 200 क्वेश्चन हुआ तो आप 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो बता भाई अगर ऐसे क्वेश्चनों को हम कई बार देख लेंगे तो भूलेगा? भूलता नहीं है। अब आप कह रहे हो ये रटना हो गया, क्यों ये रटना हो गया? अगर आप समझे हो, ठीक है, अच्छे से समझे हो तो रटने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आप देखोगे तुरंत आप उत्तर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन आप देखोगे तुरंत उत्तर दोगे, लेकिन अगर समझे तो, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको जो हम स्टार्ट में पढ़ाए तो बात तक याद हो नहीं, होगा कोई 1-2% होंगे तब से बता ऐसा कुछ और कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको करना है भाई, याद रहता है सब शायद सारी चीज याद रहती है, लेकिन क्वेश्चन की स्पीड आपको बढ़ाना है, स्पीड आपको बढ़ाना है तो स्पीड क्या है, इसको आप 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर इसको आप दोहराएंगे 1.5 घंटा होगा, फिर इसको आप तीसरा पढ़ेंगे 1 घंटे में आप खत्म कर देंगे 200 क्वेश्चन, और जब इसको और ज्यादा पढ़ोगे तो ये जाकर के 30 मिनट में पहुंचेगा। ठीक
ठीक है 30 मिनट 40 मिनट 40 मिनट में आते दो सौ क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं ठीक है ये तरीका होता है ठीक है अब दूसरी बात हाँ आपको लग रहा है जैसे बोर रहे हैं ना जैसे बोर नहीं रहे हैं ठीक है पहले खुद पे ट्राई किए तब हमको आपको बताते हैं भाई पहले खुद पे ट्राई कर लो ना कोई नुकसान हमारा हो आप दोनों का ना ठीक है ये चीज होता है इसी प्रकार सर छह दिन का छह मंडे से लेकर सैटरडे तक छह दिन में आपने 1200 क्वेश्चन पढ़ा दिए सर छह दिन में कितने क्वेश्चन पढ़ाने 1200 क्वेश्चन पढ़ा अब ये 1200 क्वेश्चनों को जो ये संडे का टाइम आ रहा है ये संडे का टाइम आपको छुट्टी मनाने का नहीं होगा खाना तो आप छुट्टी मना देते ये आपके करियर का सवाल है ये आपके रिस्पेक्ट का सवाल है ठीक है तो वहां पर संडे को क्या कीजिए यही तो 1200 क्वेश्चन पढ़े तो बहुत डाले ठीक है जब इतनी बार पढ़ लिए हो ना ठीक है 1200 क्वेश्चन को आपको पढ़ने में मुश्किल 4 घंटे लगेंगे 3 घंटे लगेंगे तो ज्यादा नहीं लगेगा आप बता बस संडे वाला पूरा 6 दिन का दोहरा होता है दोहरा फिर अगला फिर 6 दिन हो जाए कभी जब दूसरा संडे आएगा तुम्हें जो 1200 पहले पढ़े हो और 1200 अगले से उत्तर काम कर रहे हो दोनों मिला के 2400 क्वेश्चन हो गया पूरा संडे को पढ़िए 5-6 घंटे टाइम लगेंगे ठीक है तो किस प्रकार से आप तैयारी करते रहेंगे आपका भूलेगा नहीं भूलेगा नहीं और क्या होगा स्पीड जैसे कंट्री चली जाएगी ये होता पढ़ने का तरीका और अगर यही फॉलो किए होते हैं ना तो जब से आपसे छुट्टी हुई है आपके कोई सब्जेक्ट ऐसे बचते नहीं जिससे क्वेश्चन ना हो जाते सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते ठीक है और अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप घर गए ठीक है आपका प्रोसेस है भैया लाने के लड़का जो है फैजाबाद में या इलाहाबाद में पढ़ता है ठीक है तो अपना जो कोई बच्चा होगा कहेंगे फलाने के लंबे से जाकर के सीख पाए थे या बहुत प्यार से रिस्पेक्ट सुना देंगे देखो फलाने का लड़का है ये कितना प्यारा है वहां जाकर के पढ़ता है जाकर के उनसे कोई पूछ लो ना ठीक है और ये बच्चा है हाई स्कूल इंटर का आप डिप्लोमा करके तैयारी कर रहे हो आपके पास गैप है तो ये मैं बता दीजिए ठीक है आप क्या किए सवाल लगाए आधा घंटा पहले यार सब भूल गए ठीक है वो यार पहले बता देते आधा घंटा में नुकसान क्यों गया पहले बोले तो ये चीज हम भूल चुके हैं ठीक है ऐसा करो थोड़ी देर रुक जाओ हम आपको देख के बता देते हैं आपने आधा घंटा टाइम वेस्ट क्यों किया क्या ये बोलने में आपकी बेइज्जती होती है अगर पहले बोल देते तो लास्ट में बोलते तो फिर बेइज्जती हुई ठीक है अब खुद से पूछो यार हमने किया क्या अभी तक जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो चीजें हम इसको बता नहीं पा रहे हैं हम हैं क्या ठीक है तो इससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको बेइज्जती जरूर होती है लेकिन और कभी बेइज्जती नहीं होती इस चीज को भी ध्यान रखो भाई जो नहीं आ रहा तुरंत बोल तो नहीं आता है टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है उसका भी अपना टाइम वेस्ट किया अपना भी टाइम वेस्ट किया ठीक है फिर इतना रुक जाए रुक जाओ नहीं आता है लॉन्ग देख करके आपको बता देते हैं वो भी कुछ भाई हो सकता है इतना दिन हो गया पड़े भूल जाते हैं हम लोग भी भूल जाते हैं ठीक है वो तो भी देखा पॉसिबिलिटी नहीं होती अब वो डायरेक्ट क्या कहेगा अरे छोड़ यार वो वहां पढ़ते हैं आधा घंटा से सवाल मत परेशान रहे आओ ना अब बताओ रिस्पेक्ट आपने अपना खूब बढ़िया बनाया हम वहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते हैं लेकिन एक छोटे से बच्चे ने आपकी बेइज्जती कर दी बेइज्जती काहे करवा रहे हो अभी टाइम है ठीक है तो बस ठीक है अपना पढ़िए जो डाउट हो हम हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं कि जो डाउट हो आप पूछिए अब ये नहीं कि फालतू के क्वेश्चन उठा करके भेज दो फालतू के क्वेश्चन अगर हम फ्री माइंड में रहेंगे तभी बताएंगे फालतू क्वेश्चन इसको नहीं बताएंगे अब फालतू क्वेश्चन ये नहीं आपके अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बताएंगे लेकिन सब्जेक्ट से बाहर का है या बेसिक चीज आपको नहीं पता है ठीक है ज्वाइंट और जोड़ का मतलब आपको नहीं पता है हम उसको थोड़ी बताएंगे यहाँ पर वो तो आपके सामने रहोगे हम आपको डायग्राम बना के बढ़िया बिठा देंगे वही हमारा ज्वाइंट है ठीक है अब यहाँ से हमेशा आपने बताएंगे यहाँ पर ऐसा बता देते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप बताइए हम उस क्वेश्चन को आपको कराएंगे ठीक है तो बस इसी पर हम रोक रहे हैं थोड़ा सा आपने कैरियर के प्रति चिंतित हो जाओ ठीक है उसके बाद आपको जो करना हो वो करिए भैया हम तो नहीं मतलब है कुछ ठीक है